फ्रेंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे कोई भी नॉर्मल फोटो को पीएनजी फोटो बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पीएनजी फोटो में कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई भी बैकग्राउंड उसके अंदर सेव कर सकते हैं। सिर्फ बैकग्राउंड चेंज ही नहीं, उसका रेजोल्यूशन भी बहुत हाई हो जाते हैं। तो नॉर्मली कैसे आप कोई भी नॉर्मल फोटो को पीएनजी बना सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ। सिंपली आप फोन यूज कर रहे हैं तो फोन में भी बना सकते हैं, कंप्यूटर में इसलिए बता रहा हूँ तो बहुत ही आसान होते हैं, फोन भी बड़ा आ जाते हैं और देखने में भी आसान हो जाते हैं। तो आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल में चला जाना, गूगल में जाके एक लिखना है remove.bg, लिख के सर्च कर देना। आप इस सॉफ्टवेयर का द्वारा बहुत ही आसानी से कर पाओगे, आपका रेजोल्यूशन कोई भी नॉर्मल फोटो का रेजोल्यूशन भी हाई हो जाएगा और फिर आपका पीएनजी भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो फ्रेंड ये आपका जो फ्रंट पेज, आप मोबाइल से भी सर्च करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा आपके सामने। तो इधर में आपको लॉगिन पर साइन अप करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप कोई भी फोटो को अगर करना चाहते हैं तो इधर में अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड इमेज, तो इधर में जाकर आप अपलोड करना पड़ेगा। मान लो मैं ये फोटो करना चाहता हूँ पीएनजी, तो नॉर्मली ओपन कर लेते, थोड़ा सा टाइम लेते। ये टाइम कितना लेगा पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका नेट कैसे चल रहा है उसके ऊपर, नेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना स्पीड ज़्यादा होगा उतना जल्दी हो जाएगा। जो ओरिजिनल पिक्सल एक साइड में आ जाएगा और मेरा जो पीएनजी फोटो फ्रेंड्स वो अलग साइड में आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपको ऑटोमेटिकली आप अगर इधर में बैकग्राउंड में कुछ सेट करना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। जैसे एडिट में क्लिक कर लेना तो फ्रेंड इधर में देख पाओगे ऑटोमेटिकली वो जो बैकग्राउंड है वो बाय डिफॉल्ट कुछ दे रहा है आपको। तो इधर से भी कोई भी बैकग्राउंड आपको पसंद आ रहा है तो उधर का बैकग्राउंड भी आप आसानी से ले सकते हैं, फेसबुक में सर्च सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते, आप खुद ही दूसरा कोई बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। और इधर में देख सकते फ्रेंड मेरा जो पीएनजी फोटो बन के रेडी हो गया है, तो मैं इधर से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो डाउनलोड पर क्लिक कर लेते तो इधर में फ्रेंड ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है, अब हो गया। तो इधर मैं इधर से ओपन कर लेते, देखते कैसे हुआ मेरा फोटो कैसे डाउनलोड हो गया। तो फ्रेंड इधर से देख सकते हैं मेरा जो फोटो है ऑटोमेटिकली पीएनजी बन के रेडी हो गया। और मैं अगर चाहता था उधर से जो ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड चेंज कर दिया तो ऐसे भी मैं ले सकता था। तो कोई भी फोटो आप ऐसे आसानी से बैकग्राउंड चेंज कर सकते, फिर पीएनजी बना सकते और ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड दूसरा कोई भी चूज कर सकते बाय डिफॉल्ट। तो फ्रेंड उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।